स्वागत है आप सबका एक और व्लॉग में। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं वो चीज जिसके लिए मैंने लॉन्गर रन के लिए चैनल बनाया था, विच इज लाइफस्टाइल व्लॉग्स। तो मैं बेसिकली एक वीडियो में पूरा एक टॉपिक नहीं खींचूंगा, मैं अपने डे को या फिर सीरीज ऑफ डेज को व्लॉग करूंगा, वो आपके साथ शेयर करूंगा। आई ट्राई टू बी एज रेगुलर एज आई कैन, यानी कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं वीक में एक वीडियो एटलीस्ट बनाऊंगा, वीकेंड को पोस्ट कर दूं। बट आई रियली होप यू गाइस विल लाइक। लॉकडाउन व्लॉग्स, अगर आप सोच रहे हो कि मैंने लॉकडाउन के स्टार्टिंग में ये सब स्टार्ट क्यों नहीं करा, द मेन रीजन इज स्टोरेज। मैं जिस फोन पे सब शूट करता हूँ, दो सालों से शूट कर रहा हूँ, वो फोन मैंने 2018 में लिया था फॉर माय 16th बर्थडे गिफ्ट। एंड अभी इस फोन में लिटरली 500 MB स्टोरेज बची थी, बट फिर कुछ दिन पहले मैंने पेन ड्राइव में सब कुछ स्टोर कर दिया। एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में सोचा था अप्रैल में दैट फॉर माय 18th बर्थडे आई विल गेट अ कैमरा, बट फिर कुछ जमा नहीं बिकॉज उस टाइम पे लॉकडाउन इतना ज्यादा हो गया था। दैट वॉज लाइक द इनिशियल फेज ऑफ लॉकडाउन, तो उस टाइम पे कोई ऑनलाइन ऑर्डर्स नहीं आ रहे थे। सो फिर मैंने सोचा कि मैं एग्जाम्स के बाद कैमरा लेता हूँ, बट देन द थिंग इज कि मेरे एग्जाम्स बहुत बहुत लेट होने वाले हैं। एंड आई थिंक अब मैं इतना ज्यादा कंफर्टेबल हो चुका हूँ फोन से ब्लॉग करने में कि आई एम गोना होल्ड ऑन टू द कैमरा, इंस्टेड ऑफ दैट आई बाय अ लैपटॉप और अ हार्ड डिस्क बिकॉज कॉलेज में वो ज्यादा काम आएगा। सो दैट्स हाउ वी गोना शूट द अपकमिंग ब्लॉग्स अंटिल आई थिंक आई नीड टू अपग्रेड द क्वालिटी। ऑल्सो आज बहुत टाइम बाद हमारे ब्लॉग में देखो कौन आया, हमारे बैकग्राउंड में है स्पार्की। बाय द वे यस, दिस इज माय रूम। एंड कभी आपको रूम टूर देंगे, अभी नहीं दूंगा, कभी मेरे इस अभी इस ब्लॉग में और भी चीजें हैं जो कि आपको दिखाऊंगा। बट दो चीजें जो आप मेरे रूम में देख सकते हो वो है स्पार्की और वो है ये फ्लैग, ये मुंबई इंडियंस का फ्लैग, क्योंकि मैं बहुत बड़ा मुंबई इंडियंस का फैन हूँ। सुनने में आ रहा है कि IPL शायद सेप्टेम्बर में होगा, आई डोंट थिंक इट्स राइट, बट पता नहीं, अगर सब कुछ अच्छे तरीके से हो, प्रिकॉशन से हो, देन या आई एम डेफिनेटली अप फॉर IPL एंड आई एम गोना सपोर्ट मुंबई इंडियंस। आज डेट है 14th July 2020 और आज मेरे डैड का बर्थडे। जब मेरा बर्थडे था तब बाहर से केक लाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, तो मॉम ने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम घर पे केक बेक करा था। उन्होंने एक नहीं, उन्होंने तीन केक बेक करे थे, उनमें से मेरा फेवरेट था बनाना चॉकलेट केक। तो आज वो केक फिर से बनाया है फॉर डैड बर्थडे। तो कहीं बाहर तो जाना है नहीं, बिकॉज वी आर ओनली गोइंग आउट फॉर ग्रोसरीज, उसके अलावा कहीं बाहर नहीं जा रहे, तो घर पे केक कट होगा। तो आपको केक सिनेमैटिक्स दिखाता हूँ, उसके बाद आपसे बात करता हूँ। मिल जाऊंगा तुझसे फिर उन किताबों में हो जहां जिक्र तेरा, काट दिया और डिनर हो गया, मेरे को फाइनली ब्लॉग करने का टाइम मिला है। तो मेरे को ये देखकर यार अपने लॉकडाउन बर्थडे की याद आ गई थी, इट वॉज माई 18th बर्थडे एंड इट वॉज लाइक अ रियली रियली स्पेशल बर्थडे। कुछ प्लान्स थे करने के बट ऑब्वियसली सब स्क्रैप ऑफ हो गए थे। तो फिर मेरे फ्रेंड्स और फैमिली मेरे को एक बहुत अच्छा सरप्राइज दिया था, उन्होंने मेरे लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें सारे फ्रेंड्स के बर्थडे मैसेजेस थे एंड उसके साथ साथ उसमें रोहित शर्मा, मुंबई का निखिल एंड SRK विच आर माई फेवरेट्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, तो उनके भी बर्थडे मैसेजेस थे। तो वो एकदम ही अलग सी वीडियो थी एंड दैट रियली मेड मी इमोशनल, तो बस वो याद आ गया। एंड यस, दिस ईयर हैज बीन सो अनप्रिडिक्टेबल सो फार, बट कभी कभी ऐसा होता है यार कि अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स हैपन एंड यू हैव टू एडजस्ट विद दैट, एंड दिस इज ऑल एन एक्सपीरियंस। तो ये भी एक्सपीरियंस करना था लाइफ में, कर दिया। सो या, सो फार सो गुड। तो मैं जा रहा हूँ, मैं खाऊंगा ये केक, मैं खाऊंगा मैंगो और देखूंगा थोड़ा सा BBT एंड देन आई स्लीप। एंड डोंट वरी, पूरा केक नहीं खाऊंगा, आई एम गोना हैव लाइक सम ऑफ इट एंड देन सम टुमारो एंड लाइक दैट। बट या, आई सी यू गाइस टुमारो। आंखें मेरी सपना तेरा, सपने सुबह शाम है, तू है सही या मैं हूँ सही, किस पे ये इल्जाम है। तो हे
Hey guys, it's the next day and मैंने सोचा कि यार अब लोग कॉफी विद करण तो देखने वाले हैं नहीं, तो क्यों ना आपको कॉफी विद कैप्टन के सिनेमैटिक्स दे दें। By the way, if you're liking the song that I've used in this video, तो वो है भुवन सर का ब्रांड न्यू सॉन्ग हीर रांझा। आई रियली लाइक दिस सॉन्ग, तो मैंने सोचा कि उन्होंने इसे कॉपीराइट फ्री कर ही दिया है तो इसको एक ब्लॉग में यूज कर लेते हैं। एज यूजुअल म्यूजिक डिटेल्स देर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। देखो यार, अब मेरे पास आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि यार ट्विटर को एग्जैक्टली यूज कैसे करते हैं। मैंने कुछ दिन पहले ट्विटर पे अकाउंट बनाया था ये सोच के कि मैं अपना कंटेंट उधर प्रमोट करूंगा, लेकिन जब भी मैं ट्विटर खोलता हूँ मेरे को लगता है मैं किसी न्यूज चैनल पे आ गया हूँ, और मेरे को लगता है कि अगले ही पल जब मैं ऐप खोलूंगा मेरे को कोई इस तरीके की चीज दिखेगी। On the trending page of Twitter tonight, we have, ladies and gentlemen, a very, very interesting topic. Listen to me. Hashtag listen to me. तुम नहीं जानते भी तुम्हारे भाई ने कितने नुक्कड़ नाटक करे। Anyways, this is my Twitter handle if you guys are wondering, and you guys can follow me if you want, और मेरे को please comments में या फिर Instagram DMs में बताओ कि भाई Twitter को मैं use कैसे करूँ। Anyways, तो सोशल मीडिया और ट्विटर के बारे में बात करते करते मेरे को याद आया कि कैसे अभी टिकटॉक के साथ साथ काफी सारी चाइनीज ऐप्स को प्ले स्टोर से उड़ा दिया गया था। एंड इवन तो 90% इंडियन टिकटॉक पे क्रिंज भरा हुआ है, आई एडमिट। ऐसे 10% लोग थे जो कि एक्चुअली जेन्युइन कंटेंट बनाते थे और उनके कंटेंट क्रिएशन का प्लेटफॉर्म जो है वो चला गया। तुम्हारे मार्क जकरबर्ग भाई ने जेठालाल वाला दिमाग लगाया और एक बहुत ही बढ़िया स्कीम निकाली जिसमें उन्होंने पूरे इंस्टाग्राम को ही टिकटॉक बना दिया। यार जो हमारा इंस्टाग्राम है वो ऑलरेडी फेसबुक को रिप्लेस कर चुका था, और जब उस पर स्टोरीज आई तो उसने स्नैपचैट को भी रिप्लेस कर दिया, लेकिन अब इंस्टाग्राम टिकटॉक बन चुका है। टॉपिक पे पहले भी बात करने वाला था, पर मैंने सोचा कि एक हफ्ता देखते हैं कि इंस्टाग्राम रील्स का रिस्पॉन्स कैसा आता है और देखते हैं कि लोग उस पर क्या कर रहे हैं। मेरे को पता लग रहा है कि दो टाइप के कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, एक वो यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स या वो 10% टिकटॉकर्स जो कि अच्छा जेन्युइन कंटेंट बनाते हैं वो तो बहुत ज्यादा है इंस्टाग्राम रील्स पर, बट अभी भी वो जो क्रिंज कंटेंट वाले लोग हैं ना वो धीरे धीरे करके यहाँ पे आ रहे हैं और वो इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा क्रिंजी बना रहे हैं। मतलब तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, जो पीछे वो राइडर प्रोवाइडर वाला गाना चला के XXX बन जाते हैं या फिर जो लेदर की जैकेट पहन के गमछा ओढ़ के आ जाते हैं, तो इस टाइप के लोग भी धीरे धीरे करके इंस्टाग्राम रील्स पे आ रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। Anyways, what I'm trying to say is कि Instagram एक बहुत ही ज्यादा अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज्यादा क्लीन प्लेटफॉर्म है। प्लीज उस पर क्रिंज मत फैलाना Instagram रील्स के थ्रू। Instagram रील्स का जो आप यूज कर रहे हो अच्छे तरीके से करो, ऐसे करो कि यार आप अपने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट कर सको, लेकिन यार उस पर क्रिंज कॉन्टेंट मत बनाना। तो चलो यार इसी के साथ करते हैं ब्लॉग का एंड। आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। यू नो ऑलरेडी कि आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स में बताना है कि मैं और किस चीज पर ब्लॉग कर सकता हूँ घर पे होम ब्लॉग्स। एंड ऑल्सो प्लीज अपने दोस्तों को अपने फैमिली मेंबर्स को बोलो यार चैनल सब्सक्राइब कर दें। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड पीस आउट।